बात जर्नी होगी वो यहाँ से दिल्ली टू फैजाबाद की होगी। तो अभी हमारी जो ट्रेन है अभी आई नहीं है, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन अभी जो आई नहीं है, और जैसे ही आती है तो मैं आपको यहाँ से दिल्ली टू फैजाबाद तक की आपको जर्नी पूरी दिखाने वाला हूँ, जो पूरा जो हमारे उससे बनेगा। और तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं, अभी देखते हैं, अभी ट्रेन तो आई नहीं है, 2 बजे का है, अब देखते हैं कितनी लेट चलती है, कितनी जल्दी आती है फिलहाल। और तो चलिए देखते हैं, बाकी आप देख सकते हैं हम लोग यहीं पर ही बैठे हुए हैं अभी हम लोग, और ट्रेन जो आके अभी फाइनली अब प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो चुकी है, और अभी दरवाज़े वगैरह इसके जो हैं ओपन नहीं हुए हैं। तो इस दिल्ली टू छपरा की जो ट्रेन है ये अकबरपुर तक हमारा साथ निभाएगी, उसके बाद ये अकेले जाएगी। तो जैसे ही अभी इसके ओपन डोर होते हैं और हम लोग अंदर जाके बैठते हैं, तो अभी हम लोग सीट पर आके बैठ चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो रही है, ट्रेन ऑलमोस्ट बिल्कुल सही टाइम पर चल चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं कभी हिली है और चलना स्टार्ट हो चुकी है अभी फिलहाल के लिए, और देखते हैं अभी क्या वाकई में राइट टाइम तक वहाँ तक पहुँच जाती है कि नहीं पहुँचाती है। तो बैक साइड में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो अभी हम लोग ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल चुके हैं, ये मेरी मम्मी है और हम लोग बैठे हुए हैं, हम साइड वाली सीट पर हैं, सैनिटाइज वगैरह हम लोग कर रखे हैं, हम लोगों ने सीट वगैरह पर सैनिटाइज किया अच्छे से। तो और बिल्कुल एक तो वॉशरूम के बराबर में सही, थोड़ा थोड़ा ही मुश्किल भी है बिकॉज यहाँ से स्मेल काफ़ी आ रही है। तो अभी हम स्टेशन पर ही हैं, अभी मन नहीं कर रहा है कि यहाँ से छोड़ दें। वैसे तो ये रोमांचक सफ़र होगा, और अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ट्रेन से सफ़र करना वैसे सच बताएं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक नया लुक का एक नई चीज़ जर्नी स्टार्ट होती है हमारी। और जैसे हम कभी बाहर जाते हैं फैमिली ट्रिप पे तो अच्छा भी लगता है, पर ट्रेन का सफ़र 1-2 दिन का लगता है, तो उसके बीच में हम जो पीरियड अपना लगाते हैं तो अच्छा लगता है, फैमिली के साथ अपना टाइम भी जो है अपना बिताते हैं, स्पेंड करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ लगती है। अभी सफ़र में मुझे लगता है कि शायद आई होप कि मुझे थोड़ा मज़ा आए, आना चाहिए, आपको तो आएगा ही आएगा। ये परी चुके हैं, ये किनारे रहा होगा वो,
ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇ ਲੱਗਦੀ, ਦੋ ਪਿੱਕ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਲੱਗਦੀ ਓ ਗਰਲ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਸਨੋ ਗਰਲ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ਗਰਲ ਸੀਨ ਤੂੰ ਕਰ ਦੱਸ ਲੋ ਗਰਲ ਓ ਗਰਲ ਯੂ ਨੋ ਗਰਲ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਵੀ ਨੋ ਗਰਲ तो अभी हम लोग मुरादाबाद जंक्शन पर उतरे हैं और यहाँ से अभी काफ़ी लंबी जर्नी हमें तय करनी है साथ में, तो एक एक स्टेशन पर आपको उतर के दिखाता रहता हूँ और थोड़ा ब्रेक लेता रहता हूँ। ट्रेन ने ब्रेक लिया है थोड़ा सा और अभी यहाँ पे 2-3 मिनट रुकेगी, बल्कि पहले आ गई है तो आई थिंक 10 मिनट रुकेगी। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पर चल रही है फिलहाल और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जस्ट बिल्कुल मेरे पीछे में ही ट्रेन है और ये हम मुरादाबाद जंक्शन पर हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी क्लिप दिखाऊंगा अभी बाद में पीछे करके, ये मेरे फादर हैं बाहर खड़े हुए हैं, बल्कि ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे भी बल्कि अगर हम कहें तो बल्कि पहले आ जाती है, 10-15 मिनट पहले ही चल रही है, तो ट्रेन का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिए तो मुरादाबाद आखिर हम आ गए। तो आप देख सकते हैं मुरादाबाद का जंक्शन है और काफ़ी खाली है आई थिंक ड्यू टू कोविड, बट क्या कह सकते हैं इस बीमारी में सबको परेशान किया हुआ। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन ये खड़ी है, तो फिलहाल मैं भी अंदर जाता हूँ। आई थिंक ट्रेन का साइज बढ़ गया स्टेशन पर और एक है, मैं इसका नाम नहीं देख पाया कौन सा है, बट अभी थोड़ी सी ख़राबी है ट्रेन में तो उस वजह से, लेकिन अब बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बंदरों का व्यू दिखाऊँगा अभी। और अभी यहाँ से अभी आई थिंक 7 बजे करीब हम लोग यहाँ पे 6:42 अभी 6:42 कुछ टाइम हो रहा है, तो देखते हैं 7 बजे तक चलने का इसका है रूट। बिल्कुल करेक्ट टाइम पर पहुँच रही है हर जगह, तो खैर फिलहाल तो पहले ही पहुँच जाती है और रुक रही है बार बार, तो देखते हैं कब तक है। बाकी मैं आपको स्टेशन का व्यू दिखा देता हूँ। तो अभी पूरी ट्रेन रुकी है, सब सारे पैसेंजर जितने भी तो सब उतरे हुए हैं, बहुत देर से खड़ी है ये। और यहाँ पे बंदर, बहुत बंदर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, उससे ज़्यादा आपको यहाँ बंदर मिल जाएंगे। इंजन है यहाँ पे बराबर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खैर कोई नहीं, हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, मंजिल अभी दूर है। मिलते हैं अगले स्टेशन। अभी हम लोग लखनऊ पे रुके हैं, जस्ट अभी रात के 1:15 हो रहे हैं और हम लोग अभी लखनऊ पर रुके हैं, लखनऊ जंक्शन पे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हम बैक साइड में हैं लखनऊ के तो अभी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगा मस्जिद वगैरह भी आपको दिख रही होगी लखनऊ पीछे के साइड में, थोड़ा सा व्यू आपको अगर दिख रहा पूरा, तो ये जर्नी ऐसी कमाल की रह चुकी है अब तक। अभी हम सोया नहीं हुआ, आप मेरी आँखों को देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सो, रात हो चुकी है हालाँकि, लेकिन अभी मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी। और काफ़ी पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं इसमें से, उतर भी रहे हैं और पानी वगैरह भी यहाँ का ठीक है, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पानी वगैरह का जुगाड़ देख रहा हूँ ताकि पानी वगैरह हमें यहाँ पर भर लें, लेकिन अब यह तो कुछ हम मिल नहीं रहा है। तो अभी हम लोग वापस जा रहा हूँ, ट्रेन की तरफ ही जा रहा हूँ, बिल्कुल ज़्यादा देर का स्टेशन नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की स्टेइंग है यहाँ पर। बाकी देखते हैं कितने, अभी ट्रेन भी थोड़ा सा लेट ही पहुँची है तो उस हिसाब से भी हम लोग देखना पड़ेगा। तो बाकी तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर चल रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये रुकी है, तो देखते हैं मिलते हैं अगले स्टेशन पर। तो ये आप देख सकते हैं अभी रात का टाइम काफ़ी है, वहाँ पे आपको स्टेशन का बाहर का व्यू दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से स्टेशन है बाहर, अच्छा बना हुआ है। आप अगर गूगल सर्च करते हैं तो आप देखिएगा बाहर का मीनारे विनारे कैसे बनी हैं, और काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेशन है लखनऊ का, ये ऐसे लोग कहते हैं बाबू का शहर से, तो उस हिसाब से तो वाकई में बहुत लंबा स्टेशन दिख रहा है। और अभी मेरे फादर गए हैं आई थिंक पानी वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं,
क्योंकि पानी के हमारा ख़त्म हो चुका है। हम लोग दिल्ली से पानी देख कर रहे थे कि हम ट्रेवल कर रहे थे, तो पानी यहाँ पे मतलब वो इन नल वगैरह का पानी मिलता है ट्यूबवेल का। और अभी हम तो हमारी ट्रेन खड़ी है, काफ़ी देर तक यहाँ खड़ी रहेगी, 10 मिनट का स्टॉप है। और आई थिंक अभी कितना 15 से 20 मिनट पहले हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप ये कम से कम यहाँ पर रहेगी, जब तक मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ पानी वगैरह हो सका तो मैं भर लूँगा। और बाकी लेकिन यहाँ पर पानी का इंतज़ाम वैसे भी लग नहीं रहा मेरे को, वो ट्रेन हमारी चल चुकी है धीरे धीरे, मैं थोड़ा बाहर ही रह गया था किलोमीटर जल्दी जाकर ट्रेन पकड़ी है। मतलब मैं सोच रहा था आई थिंक आधे घंटे का रुकेगा बिकॉज बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन यहाँ आधे घंटे नहीं रुके, यहाँ 15 मिनट ही रुकी है। यहाँ से पहले थोड़ा सा चलने का इसको हुआ है, समझ में नहीं आया पहले, मतलब बात है जो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं, बट यहाँ चल गई है तो देख सकते हैं। आ चुके हैं अभी, काफ़ी लंबा स्टेशन है ये, मैं आगे तक दिखाता हूँ आपको कितना लंबा स्टेशन है ये लखनऊ का, क्योंकि थोड़ा मेन स्टेशन है इसलिए हम इसे अभी तक इतना लंबा खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ट्रेन यहाँ पर हमारी है जो चलना शुरू हो चुकी है, और अभी मतलब अपने टाइम पर ये छूटेगी यहाँ से, तो है स्टार्ट है ये धीरे धीरे रुक भी रही है, चल रही है, रुक रही चल रही है, बहुत सारे स्टेशन आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म कितने हैं। तो कभी इंशाल्लाह अगर ऐसा मौका मिलता है तो लखनऊ हम आएँगे जब, तो पूरा स्टेशन को पहले व्यू देखेंगे, दिखाएंगे आपको जो पूरा है एक तरीके से पूरे स्टेशन तो दिखाएंगे कि नई दिल्ली से काफ़ी कितना बड़ा है, तो उसको न्यू दिल्ली का जो स्टेशन है वो भी काफ़ी ऐसे ही 18 में उसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, ये शायद इससे कम नहीं आई थिंक, इससे ज़्यादा ही हैं या कितने हैं। और यहाँ पे भी तकरीबन लग ही रहे हैं मेरे को उतने तो होंगे, क्योंकि अभी काफ़ी दूर तक जितना दूर तक देखा जाए उतना दूर तक है, और काफ़ी पीछे हम लोग रुके थे ट्रेन के, तो हमने सामान वगैरह रखा हुआ है रात से, चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं ढाई बज रहे हैं। तो अभी इस तरीके का ये है लखनऊ, थोड़ा एंड हो चुका है यहाँ पे स्टेशन थोड़ा सा, अच्छा बना रखा है देखा जाए तो लखनऊ का भी घूमने की सिटी है, बहुत सारे आपको मकबरे टाइप मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं लखनऊ में। यहाँ पर नवाबों का शहर भी कहते हैं, कभी इंशाल्लाह अगर ऐसा ही बनता है तो ज़रूर जरा के दिखाता हूँ मैं आपको, फादर की बोले देखो अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से देख, तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ट्रेन खड़ी है फिलहाल, तो यहाँ पे भी मतलब बीचों बीच हम लोग थे, इधर भी स्टेशन से प्लेटफॉर्म्स हैं, इधर भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, धीरे धीरे अभी हमारी गाड़ी चली, और इतना लंबा स्टेशन है ये भी आप देख सकते हैं, मतलब वहाँ पर लोग एंड में ज़्यादा एंड भी नहीं था आई थिंक नहीं तो चले थे हार्डली, बट और उसके बाद भी इतना हम लगभग चल ही रहे हैं, और क्या कह सकते हैं काफ़ी लंबा वाकई मतलब रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे मस्जिद है बीच में ही, और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको अयोध्या का भी दिखाऊँगा जहाँ पे आपको मंदिर मिलेंगे। हम भारत में रहते हैं यार, हर धर्म एक अच्छा व्यू आता है, आप देखें कि संस्कृति हम अपनी घूमते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, मंदिर में मंदिर की चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा था उस हिसाब से सब कुछ है, और अभी तक चल ही रहा है स्टेशन में देर हो जाए बात, तो फिलहाल के लिए ऐसे मैं यहीं रोकता हूँ और अगले स्टेशन में मिलता है। व्यूवर्स अभी हम लोग फैसलाबाद पहुँचे हैं, बिल्कुल अभी अभी 4 करेक्ट टाइम पर है, बल्कि करेक्ट से भी पहले भी 4 पहुँच चुके हैं टाइम पे, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करके आई थिंक आधे घंटा तो रुकेंगे वहाँ से, तो देखिए फिलहाल की बोलेंगे इसी बात, अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं आपको स्टेशन का भी मैं दिखाऊँगा थोड़ी देर बाद, देख
देखते हैं क्या होता है, कितनी देर का भी यहाँ पे ये रेस्ट लेते हैं।
चलिए भाई अभी हम लोग यहाँ की हमारी जो ट्रेन की जर्नी थी वो अब इस जो है फिनिश्ड हो चुकी है। अब यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने गांव पहुँचते हैं, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम जाने वाला हूँ, मुझे भी नहीं आइडिया कि हम कैसे जाएंगे। हाँ बाकी अभी देखते हैं, ये हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ से हम लोग अब जो है अपना अकबरपुर पे उतरे हैं। अकबरपुर हमारे जो लास्ट स्टेशन था, यहाँ से अब हम आगे की तरफ जाएंगे। अब बाय रिक्शा जाते हैं, अभी यहाँ पे स्टे करने का भी हमारा हुआ है। अब देखते हैं किसके थ्रू जाते हैं और आज़मगढ़ यहाँ से हम कैसे जाते हैं, तो चलिए मिलते हैं। ये छोटा सा व्यू स्टेशन का, मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी बैठ गई है सफ़र के दौरान, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि भारी बारिश हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अकबरपुर का ये जो थाना है यहीं पर ही, और GRP थाना तो अकबरपुर का है। और चलिए फिर आगे हम यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ आवाज़ गड़ हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ गड़ हो रही है। पीछे टेम्पो बैठा हुआ है और पीछे बहुत लग रहा है मेरे यार, ये पूछा क्वेश्चन है, बहुत तेज़ लग रहा है। 7:30 के करीब कुछ टाइम हो रहा है, हम लोग निकल चुके हैं महाराजगंज की ओर, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ से महाराजगंज जाएंगे, महाराजगंज के वहाँ पर रुकेंगे, वहाँ की शादी है, वहाँ अटेंड करेंगे, शादी पे अटेंड करेंगे, और अगर हो सका तो मैं शादी की वीडियो बनाऊँगा जो जाए। देख पट रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं तो बैठ गाऊँ पकड़, देखते हैं। चलिए आपको रास्ता दिखाता हूँ। सॉरी गाइस, कल रात बैटरी लो हो गई थी तो उसकी वजह से हम लोग रिकॉर्ड आगे नहीं कर पाए। बाकी हम लोग पहुंच गए थे सही सलामत ही पहुंच गए थे, काफ़ी गड्ढे थे रोड पर जिसकी वजह से गाड़ी भी 2-3 बार रुकी है और आधी घंटा पौन घंटा हम लोग लेट भी हो गए। और अभी हम लोग यहाँ पर, मैं अपनी छत पर हूँ जहाँ पर हम लोग घर पर आने वाले थे, और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। ये महाराजगंज है, आजमगढ़ के थोड़ा सा बैक साइड पड़ता है,
جہاں تک میں نے سنا ہے, باقی تو مجھے پتہ نہیں ہے, نہ میں نے میپ پہ چیک کیا فی الحال. باقی ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہاں پہ میں ہم چھت پر ہیں, یہاں سے دھانی ہے, مچھر بہت بڑے بڑے ہیں. اگر آپ کبھی آتے ہیں, آپ کا کوئی گاؤں ہے, تو یار واقعی میں آپ میرا آپ سے سوال ضرور ہے کہ یار کہ آپ کیسے اسٹے کرتے ہو. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا یہاں کا گھر بنا ہوا ہے. ابھی ایک گھر اور ہے جو ٹانڈا کی طرف پڑتا, ٹانڈا یہ کہیں سے کوئی پڑتا ہے. ابھی سورج نکل رہا ہے 5:30, یہ 5:15 کا ٹائم ہو رہا ہوگا, ابھی میرے کو کنفرم نہیں پتا, ایک منٹ. ہاں تو یہ مطلب 5:04 ہو رہے ہیں, 5:04 ہو رہے ہیں, 4:15 بھی نہیں ہو رہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے میں آپ کو تھوڑا سا ویو دکھا دیتا ہوں. یہ لوگ یہاں پہ لگا کے مچھردانی سو رہے ہیں, مطلب یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ پریشانی ہے, تو سوچیے جو باہر سے آتے ہیں ان کو کیا ہوگا. چلیے آگے دیکھتے ہیں, ملتے ہیں ناشتے کے بعد. ابھی ہم دوسرا والا گھر دیکھنے جا رہے ہیں, تھوڑی دھوپ ہو گئی ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں, ابھی صرف 7 رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں آپ. مجھے سوچ رہا ہوں یار, اگر 7 یہ حال ہو رہا ہے تو ابھی آگے پورا دن پڑا ہے تو کیا حال ہوگا, اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے. اور سامنے تالاب ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, تھوڑا سا ویو آپ کو دکھاؤں گا بھی تھوڑی دیر. اگر پورے مچھروں نے بہت پریشان کیا ہے رات میں. یہاں کے مچھر بھی مطلب یہیں کی طرح ہے, جب بھی کچھ کوئی بھی دوائی آپ لگا لو لیکن وہ مچھر آپ کو کاٹیں گے ضرور. اس وقت میرے جو چہرے کی حالت ہو رہی ہے یہ انہیں وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا ہم لوگ ایک گھر دیکھنے چاہ رہے ہیں, جو مطلب گھر لیا تھا یہاں پہ ایک بار, ابھی وہی دیکھنے چاہ رہے ہیں. گاؤں کا ایک فیل ہے, اگر آپ کو واقعی نہیں آنا تو آپ گرمی میں ضرور بتائیے. گاؤں وغیرہ میں گرمی میں آنا بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے, خاص کر شہر والے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ مینٹین نہیں کر پاتے ہیں کہ لائٹ کا سسٹم, ہر ایک چیز مطلب ہے. لیکن ایک آپ واقعی میں ایک نیچر سے جڑنا چاہتے ہیں تو گاؤں وغیرہ میں اگر آپ رہنا چاہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی. ہریالی ہریالی ہے, آکسیجن مطلب ابھی حال فی الحال میں آکسیجن کی بہت ضرورت پڑ رہی تھی, لیکن یہاں کے لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو یہ چیز دیکھنے والی بات ہوتی ہے, یہ پہلے کے زمانے کے لوگ کس طرح رہتے تھے, یہ کرتے تھے. ابھی سے پرانے گاؤں بھی ابھی مطلب یہاں پہ کافی لوگ بچے, تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں تو ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پہ بالکل بھی لائٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے. سورج کی روشنی سے وہ لوگ دن ہوتا ہے ان کا اور پھر رات, تو ابھی بھی وہ لوگ ویسے ڈپینڈ ہیں. تو اور وہاں کے لوگوں کا بھی تو وہاں ماشاء اللہ سے کچھ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے, فٹ رہتے ہیں. تو یہ ہے گھر, وہ بتاؤ نا جی, صبح جاتے تھے برما لگا اچھا, ارے کئی کمرے بن رہے ہیں ماشاء اللہ, لیٹرین باتھ روم کچن اچھا سب نکل. چلیے میں نے آپ کو گاؤں بھی تھوڑا بہت گھما دیا صبح, اور ابھی ہم لوگ 1 تقریباً ہو چکا ہے, 1-2 رہے ہیں, یہاں گرمی کافی ہو رہی ہے. اور ابھی ہم لوگ نکلے ہیں باہر بارات کی اور جانے کے لیے, یہاں پہ کہیں شادی وغیرہ اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کیا سین ہے. مجھے تو خیر پتہ نہیں یہاں کی شادی پہ کیا ہوتی ہے, فرسٹ ٹائم تو میں گاؤں آیا ہوں اور اس کے بعد اب یہ. تو دین ویدر بہت زیادہ ہی کچھ گرم ہے یار, باقی میں یہاں پر دیکھ رہی ہیں لوگ تو انہوں نے یہاں پر پل لا گیا کر لیا, لیکن میرا جو حال ہے وہ اس وقت بہت برا چل رہا ہے. یہ پل ہے
तो मैं और मेरा पू साथ में है और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी आपको मैं यहाँ का स्ट्रीट व्यू दिखाऊंगा। इन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा अंदर वगैरह से जाएंगे, अभी हम थोड़ा बाहर बाहर से चल रहे हैं जहाँ खेत खलियान वगैरह है। उसके बाद आप देखें यहाँ का रोड कितने चौड़े हैं माशाल्लाह से, तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, अभी किस तरीके से होता है शादी। आई होप कि थोड़ा सा मज़ा आए यार, कितनी गर्मी हो रही, कहीं जाने का मेरा मन नहीं था। सामने गाड़ी खड़ी तो है, ये देखते क्या है गाड़ी, मतलब वहाँ से लोग दूसरी तरफ से लोग आने वाले हैं बारात को लेके, तो हम लोग बीच में ही शरीक हो जाएंगे क्योंकि इतना दूर हमारा कुछ वो बनता नहीं है। तो नहीं तो उन्होंने बोला कि इतना क्यों जाएँ, यहीं से अगर हम लोग निकल जाते तो ज़्यादा बेहतर है। जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी गर्मी इतनी है, ऊपर से दिन हमारे पास इतने कम हैं, तो उस हिसाब से अब सब देखना है हमें आगे। ये देखिए थोड़ा सा अब जो है आ रहा है शहर टाइप का, शहर टाइप का तो नहीं कह सकते, बस अभी तो ये है कि लोगों की चहल पहल हो जाएगी थोड़ी सी, लोगों का पॉपुलेशन यहाँ थोड़ा ज़्यादा है तो उस हिसाब से। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप जाते हैं घूमने वगैरह जाते हैं नानी के, तो अभी आप देख रहे हैं 2 बजे हैं पूरे प्रॉपर, और अभी मैंने हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर आप प्लानिंग बना रहे हैं कहीं घूमने की, तो प्लीज़ भाई मेरी वीडियो को जरूर देखो, और गाँव वाँव जाओ अगर जा रहे हो तो ना जाओ, बट ये कि इस गर्मी में आपको आम खाने को मिल जाएगा, तो एक ये भी प्लस पॉइंट है। कुआं दिखा रहे हैं आपको, अभी हमें से बहुत सी चीज़ें देखने वाले हैं गांव में। अभी हम से प्योर गांव में जाएंगे, थोड़े वो नेक्स्ट डे का है, अगले दिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जब अभी शाम में निकलेंगे पहले मुडेरा के लिए, नहीं मुडेरा के आई थिंक कहीं और, वो देखते हैं अभी हम बताते हैं कि मुडेरा के निकलेंगे कहाँ निकलेंगे, या फिर आजमगढ़ में ही कहीं जाएंगे। ये देखिए गाड़ी खड़ी हुई है, क्या नहीं बैठा होगा कोई तालिब, अच्छे जिनकी शादी है तालिब। तो देख रहे हैं क्या हो गया, लगता है भाई साहब को थोड़ी तकलीफ सी हो रही है, तो चलिए रहने देते हैं भाई। चलिए अब हम लोग यहाँ से मुडेरा के लिए निकल चुके हैं, शाम के 4:15 बज रहे होंगे तकरीबन, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और बस से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि कोई गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम नहीं हो पाया है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर ओला कैब वगैरह चलती है, तो बहुत अच्छा व्यू होने वाला है मेरे तो भाई साहब कसम से, इतनी गर्मी ऊपर से बस यहाँ की जो है यहाँ का साउंड आप बस का ज़रूर सुनिएगा, भी मैं सुनाऊँगा आपको, टेने बजता है तो यहाँ पर पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं वहाँ वहाँ भी वगैरह सब लोग। अभी यहाँ पर मेरे मॉम डैड हैं आगे, बाकी मोबाइल में चार्जिंग तो मेरे वैसे नहीं है क्योंकि यहाँ लाइट का काफ़ी इशू है, तो मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर मुडेरा में आए हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, रात में आए थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बस थोड़ी लेट हो गई थी तो काफ़ी थके आ रहे थे, सो और नहा धो कर जैन, फिर उसके बाद यहाँ पे तो मौसम अच्छा चल रहा है और हवा भी आ रही है, तो मैं भी आपको इसका घर का पूरा व्यू दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ से पार्क वगैरह भी आके घूमेंगे। तो ये प्लास्टर हुआ है इस पर, चलिए कैसे
ये वॉशरूम है। कब आए, सुबह? हाँ। ये हम चलेंगे अभी, ये प्लस्तर हो चुका है सारा। अजी हमारे सामने हमारे मामू रहते हैं, उनकी पुरानी हवेली है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कमरा है, यहाँ पे हम लोग रात में आके सोए थे। लाइट वगैरह भी है फिलहाल। तो सामान वगैरह रखा है अभी, सब लोग अब नहाने वाने का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी है, लेकिन इसे प्लस्तर नहीं, अंधेरा है पूरा। लेकिन ये है, जब भी हम ऐसे अंधेरे घर देखते हैं ऐसा लगता है गांव वगैरह में कि डर सा लगता है। ये मेरे मामू का कमरा है और किचन है, एक कमरा और था इसी तरह से, दूसरा किचन बना रखा है बहुत पहले से। तो देखिए किचन का जाली है, जाली का तो दिखता है यहाँ पर। ये ऐसी चीज़ों में डर सा थोड़ा लगता है सामने को मेरा है यहाँ पर। वैसे ये दरवाज़ा, ये सब कह रहे हैं कि ये सब अभी बना है, नया बना है, कि वॉशरूम नहाने वगैरह का इसे नया बना है। ये मामी है, अम्मी है मेरे यहाँ पर। और अभी देखिए ये पूरा मतलब बरामदा है, जैसे भी कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरा आंगन टाइप का है जो बना रखा है। ये ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने हर कोई है, मौसम से तो यही लगता है। देखते हैं हम कहीं जा पाते हैं कि नहीं। वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी होगा। इधर यहाँ तो है ही नहीं एक भी। अरे इधर आओ ना, देखो फूल है क्या? ये भिंडी है, तो ये भिंडी का फूल होगा ना। ये फूल, ये देखो हम तोड़ रहे हैं, देखो। रुको रुको, देखो तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऐसे नीचे खिंचाओ, खिसकाओ ना। अरे अरे, ये देखो, लो ये दिखाए, ऐसे दिखाए, दिखा दिखा हाथ में, दिखा। हाँ ये टाइट है मम्मी, लिटरली वहाँ पे तो ऐसी नहीं मिलती। तो ठीक है, क्या देख के पप्पू हम चुप जाते हैं। अरे क्या करोगे, जब खानी हो तब तोड़ना ना। अरे पकाएंगे ना भाभी, बक ये बेकार, लो खराब हो जाएगी। मुलायम ना बेटा, इसमें बहुत बड़ी है ये, ये देखो घर वाले चट्टी छोटी छोटी है। बोले एक और बीच के लिए छोड़ दे भाभी, वाली बहुत मोटी मोटी है, देखो बीच की है ना, रहने दो, बीच बन जाएगी ना। कैसे बैठाया है ऐसे, बीच बनाए, बीच बनाए। तुम्हारे ऊपर अमरूद है, आरो 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 आरो, हाँ 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 हम्म। तो पप्पू ऐसे सीजन में आन खाली लौकी है, ये ना इतना बैगन टमाटर मिर्चा जब हमारे बहुत आज जाएंगी तो लेके एलोवेरा में आता है ये डिजाइन में, डिजाइन वाले पेड़ है सर। लेके जाए भिंडी वे सब लगे पड़े हुए, करो करो बना बना। लगा था ना अम्मी की, ये कुल पहले इनके घर में होता, तुम हाथ हो गए ना।
हम लोग कहियो तरबूज खरबूज खीरा काकर कभी अपने बचपन में कभी हिला लो गिर गए गिर गए बहुत सारे गिर गए अमरूद ये अमरूद छोटे छोटे थे ये अमरूद ये रहे लेकिन अभी सीजन थोड़ी है अमरूद का पके हैं और क्या पके सही बात नहीं और था तो अम्मी सब तोड़ दी थी बोली इतना छोटा पेड़ है वजन ज्यादा हो जाएगा उसके बाद जब दो बचा एक अनार तोड़ लिया अरबी के पत्ते भी है ना अरबी के पत्ते सही है इतना बड़ा अगर एक अपना फार्म वगैरह हो तो कह तो रहे कर दो गले में वो जाती है नहीं नहीं दो उधर है दो उधर है ना बेटा कनकनाने वाला नहीं है ना नहीं हाँ तो यार भी है ना वो यार घर वाली अरे मेरी लड़की कई दिन से चिल्ला रही है कब अभी ढूंढा गया नहीं मिला कहाँ पर पपीता 20 रुपए डिसलाइक अच्छा और यहाँ इतना पपीता क्या पूछे वाला है अच्छा ये लीची ये मम्मी ज्यादा बचा रही है कौन से लीची है और ये वही जो अपने लगा है यहाँ भी सदाबहार है भाभी हाँ एक है रेत वाला फूल चार पाँच फूल सफेद वाला वही खा लिया कर अमरूद गिरा भाई राइक लगाओगी क्या बनाएगा ना बीच में हाँ ले रिबा आ जा तेरा तो काम यही आदिवासी ले अमरूद खाओ अमरूद खाओ अरीबा से हाय क्या लो तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा मैं कौन सा है ये क्या है ये मखमल का पौधा मखमल इसे मखमल बोलते हैं देखो पत्तियां बहुत डिजाइन में है इसकी बालिके नादान हो अभी तो ये लीजिए दक्षिणा ये वो वाला फूल है हाँ वही तो कह रही हूँ चलो उसी डंडी में देख दिखा ईद वाले दिन आप दक्षिणा यही
पीला होता ना तो और अच्छा लगता है, इसी में आधे में पीला होता आधे में ये। हाँ अरे तो चाइना वाले पौधे चल रहे हैं बहुत, फूल हर कलर के हैं वो, चलो देखते हैं। है तो इधर से रास्ता आगे बढ़े, रास्ता आगे देख कौन तो गए से बन पहले निकलना चाहिए। और हाँ ठीक है ये बत्तख देखो, इतनी देर से खड़े इंतजार कर रहे क्या? चलो चलो सुना सुन में नहीं आ रहा, चलो चलो मैं ही बैठूंगा। बस जा बैठ जा, मट्टी डाली उन्होंने, मट्टी डाली उन्होंने, मट्टी आई यही तो खेत है संसार का, कहा मामू का पूरा तो ये तो अपना फिर कब्जा रहे एक तरीके से, तो आधा कैसे इतना मकान है ना, तकरीबन पाँच छह हिस्सा हो जाएगा, इतनी जगह हो जाएगी पाँच छह नहर से लग गया यहाँ से। हाँ नहर से लग गया, तो ये तो पूरा मिट्टी कर रहे हैं अच्छे से अपना सब कुछ कर रहे हैं, करने दो कब्जा कर रखा ना उसने छोड़ नहीं रहा, यहीं से ही है इनकी जगह, इस खंभे से देखे और सीधा वहाँ तक ये मिट्टी डलवा रहा भाई, ये किस लिए पूजा करवा रहा Oh,
हवा अच्छी चलती है, ये अच्छा लगता है ऐसे मौसम, मौसम अच्छा लगता है। ये वाला आम का पेड़ देखो है ना, ये आम ही है, हाँ इस पे भी ये रहा लटका हुआ ऊपर। ये वाला तो मना किया था मामू ने कि अभी नहीं तोड़ेंगे, जब बाजी आएंगी तभी तोड़ूंगा। चलो तो कैसे खा लो कच्चे, बाकी हैं देखो इस वाले पे हैं कितने सारे कच्चे हैं, लेकिन सारे है देख रहा था मैं, वही आम है लेकिन सारे कच्चे आम है। तू तोड़ रहा है आम, गिरा रहे हैं गुलेल से, उनके लिए तो बचाया था, अम्मी के लिए इसमें आम बड़ा बड़ा, हाँ बना ली। ये टूटा छोड़ दे खूब आम के पेड़ हैं। रिबा क्या खा रही है, आम। क्यों खा रही है, ऐसे अच्छा लग रहा है, मीठा है, सफेद है तो देखिए रे, बहुत सारे यहाँ सारे कच्चे, क्यों खाया? मैंने बहुत सारे खाए, दो तीन खा चुका हूँ अब तक बैठे बैठे, मेरे लिए बहुत सारे हैं भाई, ना मेरे लिए बहुत सारे हैं। हाँ यहाँ का नजारा अच्छा है ना, तो अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और आपको मैं यहाँ से पूरा रास्ता दिखाता हूँ, छोटा सा रास्ता, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं मतलब एक बार और आया था जब मैं बहुत छोटा सा था, तो थोड़ी बहुत उसकी यादें हैं यहाँ से जुड़ी हुई इसकी, तो ये सेकेंड टाइम है, बट सेकेंड फर्स्ट टाइम मेरे को इतना कुछ याद नहीं था, ये रास्ता मेरे को थोड़ा सा याद है। तो ये इस तरह से है और यहाँ से सीधा है, यहाँ आम का पेड़ था, अभी भी है जो कि, और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे पहले, तो अभी यहाँ पर पेड़ नहीं है। कहाँ भैया पाक? हाँ तो बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, और ये मेरा कज़न ब्रदर था जो भी गया है, जिसके ज़रिए रही है ब्लू कलर का, यहाँ पर साइड में था। उसके बाद ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे पानी ऐसा कुछ होता था, अभी ये पूरी घास वगैरह है सब कुछ हो गया है, यहाँ पे कूड़ा जो पहले मतलब सफाई इतनी नहीं थी, तो काफ़ी सफाई हो चुकी है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतना सफाई है, सारी घर बने हैं, काफ़ी ज़मीनें हैं लोगों पर, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, आराम से अपना सब कुछ चल रहा है जैसा भी है। और तो यहाँ से भी सीधा जाएंगे, सीधा रास्ता है यहाँ का, ये भी ज़मीन है एक, और यहाँ से सीधा घर है, लोगों ने घर बना दिया, नहीं तो पहले यहाँ पे एक झोपड़पट्टी जैसे जो घर मकान होते थे पहले, उस टाइप में थे, जहाँ थोड़ा बहुत मुझे धुंधला याद है मेरी मेमोरी में। और यहाँ पे एक तबेला था, जो मैं आपको तबेले भी दिखाता हूँ, यहाँ पे जो घास गाय वगैरह जो थी यहाँ पर बंदी भी हैं सारी, दुकान है, और ये देखिए ये पूरा
तो वेला है यहाँ पे आप किनारे किनारे, ये और ये जो सीधा रास्ता यहाँ से जा रहा है ये पूरा घर की तरफ पड़ेगा। ईंटों का एक तरीके से यहाँ इन्होंने पूरा जो बना रखा है गली टाइप बनाई पूरी ईंटों की। ये यहाँ से थोड़ा सा मैं चढ़ूँ, ये आ गया, तो ये देखिए ये यहाँ से पूरा आपका बैग जाता है और यहाँ से फिर वही मकान, मामू का मकान और यहाँ पे फिर मेरा अपना घर। भाई बाहर आ रहा है, बह जाएगा, गीला होगा ना अभी, कितनी देर पर आएगा ये तो बहुत देर हो गई, बह जाएगा ये। जब तुम गए थे तो शायद बना दिया था पूरे मामू ने, बह जाएगा। बारिश हो रही है। डाला कह रहा था पक्का हो जाए, तब डाल दे। चलो अच्छा डाला है बहुत अच्छी बारिश हो रही है। नफरान यूट्यूब पर आने वाला है अरे वही देख ले वो जगह, वो कहाँ है वो देख नफरान नाव लेकर। तो अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और सुबह सुबह उठ के हूँ मैं, और आप देख सकते हैं तबेला बेला है, ये रास्ता है आगे जाके नहर है जो मैंने आपको दिखाया था। और अभी मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, कल रात बारिश बहुत अच्छी हुई थी तो उस वजह से यहाँ काफ़ी गीला वगैरह हो गया, तो लोग सब कुछ हो गए, काफ़ी सारे जानवर वगैरह निकल गए जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी तो अभी हम आगे चलते हैं, चेहरे के 12 बजे में यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ बर्मे का पानी पीते हैं लोग, मतलब मिल गया जो सीधा डायरेक्ट ज़मीन से आता है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे भी उसके साथ हैं, तभी ये भी हम लोग निकल रहे हैं, आगे एक नहर जाती है लंबी सी तो वहीं जाएंगे। ये रात हम लोग यहीं आए थे, लोगों ने हमें दावत दी थी आने की, तो रात के खाने की दावत थी इस घर में, तो हम लोग यहीं आए थे। ये मेरे बड़े मामू लगते हैं, ये आम के पेड़, आपको हर एक चीज़ के पेड़ यहाँ मिल जाएंगे, लीची के पेड़ लगा रखे हैं और चीज़ें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कहते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है वैसे बताऊँ तो, काफ़ी चीज़ें हैं। चलिए इस तरफ चलते हैं, आपको दिखा दो ये देखिए, इस तरीके से करते हुए चलेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अगर यहाँ पर होता है तो दिखाता हूँ, यहाँ पर नहर है, नहर है, यहाँ पर पानी भी है तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। सुबह सुबह की अभी यहाँ पे 5 बज रहे हैं, अभी मेरे पास वॉच नहीं है, नहीं तो मैं वॉच दिखाता आपको क्या कहते हैं कैसा माहौल है। सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी ताज़ी हवा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि सुबह सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे। और भी जो भी है देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस साइड में मतलब खेत खलियान वगैरह जो भी है, बाग वगैरह है, उस बाग में हम लोग गए थे और ये बाग हमारी है, ये मतलब मामू के लगता है हमारे ही हो गया। तो चलिए फिर देखते हैं, आज कुरान खानी भी है घर पे तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से कुरान खानी होती है, गांव की कुरान खानी कैसी होती है, तो हम लोग देखेंगे आज। और थोड़ा सा स्पेशल जाने वाला है आज का दिन अगर हो सकता है तो, और लाइट वगैरह तो भी है नहीं बिल्कुल भी, तो अभी चार्ज तो मेरा है नहीं तो कल मैं यहाँ से पानी भरने के लिए काफ़ी दूर गया था तो मैं सोचा था आपको वहाँ का व्यू दिखाऊँ, बट चार्ज ना होने की वजह से नहीं दिखा पाया। बट इस बार अभी मैं जब पानी लेने जाऊंगा, मतलब पानी लेने का मतलब है कि मैं हम लोग यहाँ का पानी तो पी नहीं रहे, तो मतलब बाहर से फिल्टर करा हुआ पानी, कैनले वगैरह जो बिस्लेरी वगैरह मिलती है तो वहाँ से उठा के लाते हैं पानी भरवा के, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो वही है। बाकी अभी देखते हैं कब तक ये करना पड़ता है, वहाँ से एक मामू आ तो रहे हैं, आई थिंक इरफान मामू होंगे उधर,
बहुत दूरी पर दिखेंगे नहीं, वहाँ से बाघ से आ रहा है। बाकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो मैं भी दोबारा बाघ में नहीं जाने वाला। बाकी थोड़ा तो दूर भी हम लोग जा ही रहे हैं, ऐसी वॉक के लिए निकले हैं तो निकलते देखते हैं। और अभी तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं पता ही है आपको, महीने में एक बार ला देता हूँ मैं। जनरली बहुत अच्छा व्यू आता है वैसे अगर यहाँ से हम बात करें तो आने जाने का। ये गांव है यहाँ पे आपको झोंपड़ी मिलती है, थोड़ा आप और आउटसाइड जाते हैं तो यहाँ पे बहुत से ऐसी चीज़ें मिलती हैं। थकान है वैसे भी थोड़ी सी, रात नहीं सोया हूँ, रात 12 बजे तक लाइट नहीं थी, फिर रात के बाद 12 बजे के बाद मुझे नींद आ गई, उसके बाद मुझे पता लाइट कब आई है, पावर बैंक वगैरह मैंने चार्ज पर लगा दिया था, सही था पावर बैंक वगैरह लगाना भी। तो इसी तरह से हैं लोग यहाँ पे, मतलब हरी हरी चीज़ बहुत है, मतलब आप पक जाओगे यार, एक या दो दिन आपको मज़ा आएगा, फिर उसके बाद आप सोचोगे कि चला जाए यहाँ से, बिकॉज एक दो महीने की अगर आप यहाँ छुट्टियाँ बनाने आ रहे हो तो, क्योंकि आप कुछ घूमने वगैरह का भी नहीं होता है कि नहीं चलो आज यहाँ चले यहाँ वहाँ चले, तो यार पकना लाजमी है। कल लेकिन बारिश बहुत तेज हुई है, नहर में भी थोड़ा बहुत पानी आ गया, लोग देख रहे हैं मेरे को, ये देखो ये अनोखा कहाँ से आ गया। अच्छा भी वैसे ये सांप आपका बहुत डर है भाई, बहुत सांप है यार, बहुत सांप बिच्छू, और बारिश के अगर मौसम होने के बाद मैं तो उतर ही नहीं रहा था। मैं चरपाई पे अगर बैठा हूँ लिटरली तो मैं उतरना वहाँ से मेरा बिल्कुल भी नहीं, जान प्यारी है यार। लगा रहा हूँ वीडियो, जब मैं ऑफ करता हूँ तो मैं मास्क लगाता हूँ क्योंकि मैं लेके चलता हूँ, सी दैट, वीडियो जब ऑफ हो जाती है उसके बाद मैं मास्क लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी को भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए गलत है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए हर किसी को। जो बीमारी भी एपिडेमिक जो हमारे देश में चल रहा है इस वक्त, जिससे सब लोग लड़ रहे हैं, वहाँ के बारे में भी लोगों को पता भी नहीं है, तो थोड़ा बुरा भी लगता है लोगों की सोच पर। और पहले ज़माने के लोग हैं तो इन सब चीज़ों को ये लोग ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देते, एक तरीके से कहा जाए तो सीरियसनेस नहीं लगाते उस चीज़। तो मैं आपको बाद में सोच रहा हूँ कि अगर ये वीडियो मैं सीधा कुरान खानी की बना देता हूँ, अभी हम लोग जब आएंगे 10 बजे तक कुरान खानी का वो है तो हम वहीं मिलते हैं। थैंक यू गाइस, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको, कैसा घूमने का लगा, आप कब जा रहे हो घूमने भी अपने गाँव, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लग रही है, बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ की मैं आपको कुरान खानी दिखाऊंगा, तो अभी कुरान खानी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से लोग मतलब खुद ही, अगर आप एक बार न्योता दे देते हो घर में जा जाकर, तो लोग खुद आकर यहाँ पर सिपारा वगैरह जो है सब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते हैं घर में। यहाँ पर दोनों कमरे जो है फिलहाल वो अभी लोग आए हुए हैं बाहर बाहर से, तो आ रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ ले जा रही हो? इनको पैक कर रहे हैं। अच्छा, तो अपने आप ही सब जाने लगते हैं। जो लोग जा रहे हैं पढ़ पढ़ के तो ये हम हैं, ये हमारे आम हैं, मामी ने कराई सारा क्या है। हम लोग उठे 7:30 हो रहे हैं टाइम, और अभी इस वक्त हम लोग बस निकले जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का नाश्ता कैसा होता है।
कल रात नींद अच्छी आई थी, थोड़ी सी जल्दी हो गया था। मौसम काफ़ी अच्छा है, वेदर यहाँ बारिश हो रही है सुबह से ही। घर में होते सुबह सुबह घर। ये इन्हें डॉक्टर भैया कहते हैं, यहाँ पर मशहूर है ये डॉक्टर के नाम, डॉक्टर हैं ये गांव के। अब तो थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का, काफ़ी अच्छा मौसम कर रखा है। देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं थोड़ा सा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये हमारे नंदू की जो दुकान थी यहाँ पे समोसे वगैरह बिकते हैं। पहले हम आया करते थे यहाँ पर, तो वही सब है पुरानी चीज़ें यादगार के लिए बचा के रखी हुई हैं। ये सब कुछ भी नहीं था जब हम लोग आए थे, फिर मतलब 10 साल बाद तकरीबन आई थिंक हम लोग आ रहे हैं, तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं था। इतना ये लोग सब बना है यहाँ पर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं था। अभी सब बन रही है दुकानें, आज 10 साल के बाद यहाँ पर 10 साल अगर हम लेके चले तो पूरा एक शहर जैसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे चल रहे हैं, अभी हम लोग वापस घर की ओर ही, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। ये है फुरकान मामू का बाग उधर की तरफ, जितना भी एरिया दिख रहा है सारा। तो चलिए यहाँ का रास्ता तो आपने देख रखा है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। हाँ अभी दोनों तरफ
प्रीमियम नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है देखने में। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, मीडियम, मतलब डायबिटीज़ वाले लोग भी अच्छे से खा सकते, ज़्यादा मीठा नहीं है। तो ये है मुकेश स्वीट्स बंगाली स्वाद का, आपको बिल्कुल ये बंगाली तो होगी नहीं, अच्छा स्वाद है। हाँ तो इन्होंने खोल ली होगी। क्या नमकीन? नमकीन तो पूछ रहा हूँ फोन करके। संजय भैया कहाँ गए? खुरमा कैसे दियो? 100 रुपये पूछ फोन करके। 100 में खुरमा 40। मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड से, ये हमने पैक कराए हैं 2-3 किलो हमने पैक करा ली नमकीन से। यहाँ पे सेब नमकीन है और ये सारी नमकीन से मूँगफली वगैरह भून रखी है, तो उसे हमने पैक करा लिया। पन्नी में ब्लैक पन्नी का यहाँ बड़ा चलन है, मतलब जब सामान मिला आपको ब्लैक पन्नी में ही मिल रहा है। लागत क्यों ऐसा है यहाँ कर रखा है इन्होंने, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। नैना और सिल्वर दोनों एक ही लग रही है, हल्की हल्की फर्क है ना। सिल्वर रामपुर तो रुकता है क्या? चले गए नहीं खाएंगे तो खाओ। दोनों सिल्वर ले लो तो ना आज नहीं लिया का कंफर्म करवा बस खाली आई सिल्वर का समझ जाना भैया जी को अलग ना देना तो दे दे पकौड़ी खाई आओ गड़िया अगर मस्जिद से हो तब ना जाए तो दिक्कत है, इससे मुझे गमगम हो गई काट ली मेरे बाजी खा रहे ना से गड़ी अगर ऐसे बढ़ते हुए तो कैसे काम करें गड़ियों का एक परिवर्तन देखी जाएगी। 9 बजे मिल जाएगी ना? हाँ ठीक है देखिए 5 बजे तक जाए करीब हैं लोग 3-6-7 लोग
कल फैजाबाद जाने के लिए मामू गाड़ी देख रहे हैं। दिनेश से बात कर रहे हैं, दिनेश। दिनेश भाई साहब के पास गए हैं, हमारे पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी है क्या? हाँ, बोलेरो वाली होती है। तो मामू दोस्त जाएंगे फिर गाड़ी को? हैं, मामू जो गाड़ी से आ रहे हैं फिर बात कर रहे हैं। अभी आप सब लोगों ने यहाँ की बाजार देखी, गांव की बाजार तो कैसी होती है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, घर मिलते हैं, आगे मिलते हैं क्या होता है, तो आगे देखने के लिए मिलते हैं। बाय। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप देखते हैं फैजाबाद के निकली है सुबह 9 बजे की बस बता रहे हैं, तो वहाँ से 9 बजे की बस के लिए हम यहाँ से निकले। देखते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रिप रही है, यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे जब फैजाबाद, फैजाबाद से भी ट्रेन है शायद वहाँ पर। मैं आपको शायद हो सका तो वहाँ पर एक मकबरा है, तो अगर वहाँ पर टाइम होता है घूमने का तो जरूर दिखाऊँगा फैजाबाद का मकबरा, तो इंशाल्लाह जरूर। बाकी अभी सुबह सुबह का टाइम है, देसी कोलगेट है, तो देसी कोलगेट है और पूरा भंडार है यहाँ पे नीम का, तो यहीं से तोड़ा गया है ऊपर छत से कहीं पे भी, तो फिलहाल तो यही चल रहा है। ब्रश की खो चुका है मेरा एक्चुअली में, तो यह करना पड़ेगा और शायद आज ही करना पड़ेगा, कल तो फिर इंशाल्लाह कल होगा। तो बाकी अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो पसंद आती है आपको अगर, तो ये मक्खियाँ बहुत हैं, कीड़े मकोड़े यहाँ बहुत है, कसम से बहुत है। और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चले फिर। अब हम लोग निकल रहे हैं और अभी हम लोग चेपलिया पर जाने वाले हैं, जो नहर का रास्ता मैंने आपको दिखाया था, वहाँ सब लोग हैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, क्या होता है क्या। वैसे ट्रेन निकली जा रहे हैं और अभी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है जाने का, ऐसा फील होता है बिकॉज अब पता नहीं कब आना हो, लेकिन अच्छा लग रहा है, अपने शहर भी जाना ज़रूरी है। बाकी गांव-गांव होता है, शहर शहर होता है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं, आज का सामान हमारा चला गया है साइकिल या बाइक के थ्रू, और बाकी
अम्मी वगैरह सब आने वाली हैं, जैसे मामू आ रहे हैं अभी फिलहाल, दिख रहे होंगे आपको छोटा सा। फिर एक आप ही हैं, फिर मामी भी हैं उनके साथ और भी लोग हैं। तो चलते हैं, विदाई समारोह देखते हैं फिलहाल के लिए। तुम क्या ढूंढने आई हो? नहीं गिरा कुछ भी, गिरा नहीं है कुछ भी। अरे एक आध डाल हिलाओ कि गिरेगा, पर तो ना बहुत तोड़ेगा। अरे किसी की गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। किसका? अरे उधर बैठो, रखो उधर बैठो, इधर यहाँ तो धूप आ रही है। इधर पे बस नहीं, मैं भी चलूँ। आ जाओ चलिए। तब हम पहुँच गए हैं बस स्टॉप यहाँ के। ये यहाँ का बस स्टॉप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का बस स्टॉप है, काफ़ी शोर शराबा है और हम लोग सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का। बोल दिया ना, अब यहाँ पे जब बस आएगी फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। यहाँ फैजगंज चौक कहते हैं इसे, 6 पुलिया नंबर। अम्मी भी आ गई हैं, सब लोग अब आ चुके हैं। अब यहाँ से बस जैसी बस आती तो निकलना है। ये ताज एक्सप्रेस वे निकल पकड़ती लखनऊ से, आगे वाले पकड़ती, फिर उस बाद जेपी पकड़ती नोएडा वाला। क्या टाइम हो गया ना जी? 5 मिनट है 9 बजने में। तो लो जी बस अब आ गई है और हम लोग बैठ चुके हैं। बड़ी जल्दी लोगों से बस आई है और फटाफट सब लोगों ने भरा है और सामान वामान सब पीछे डाल दिया गया है। बाकी जगह बिल्कुल भी नहीं है बस में। बड़ी मुश्किल से उसने रोकी है, ये देख के कि बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, इसलिए उसने शायद रोक ली और भरे जा रहा है आगे के लिए भी। मतलब इतना गंदा, क्या बोलूँ मैं, इतना गंदा एक तरीके से लग रहा है क्योंकि बिल्कुल पेयर प्लानिंग की तक की जगह नहीं है। मैं जहाँ बैठा हूँ अपनी बिल्कुल बराबर में, हम लोग बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए हैं इतनी दूरी में। और मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग एडजस्ट हुए हैं। तो ये देखिए, ये सीट है और ये ड्राइवर कंजू भैया की सीट है, कांचे की ना। और फिर उसके बाद ये मेरी, मतलब हमारी पूरी फैमिली बैठी है। अम्मी, चाची और इनकी सवारी हैं, ये अबू मेरे, और यहाँ पर
देख रहे हैं किस तरह से, मतलब खचाखच पूरी पूरी तरीके से बस भरी पड़ी है। मतलब दिल्ली की बसें इससे लाखों गुना अच्छी है मैं ये कहूँगा। और अगर आप कहना मैं गांव आते हो आप फील लेना है तो बात अलग है, लेकिन नहीं चढ़िएगा यार बस में, मतलब चढ़ना बेकार है। बाहर का आप भी देख सकते हैं मौसम अच्छा है, अगर यही हाल गर्मी में हो रहा होता मतलब धूप निकली होती तो मतलब मेरा यहाँ बैठना बिल्कुल भी नहीं। और अभी रास्ता काफ़ी लंबा है तो पॉसिबल तो नहीं है वीडियो इतनी लंबी बनाना, वरना मैं आपको हर एक व्यू दिखाता, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू हैं। रोड भी अभी ठीक ठाक ही आ रहे हैं फिलहाल तो गांव के हिसाब से, बाकी देख लेते हैं। बहुत प्यारा मौसम, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम है यार, हवा चल रही है हल्की हल्की, बारिश भी हो रही है, बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और मतलब किराए के हिसाब से एक एक सर्विस जो प्रोवाइड कराना होता है वो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, जाहिर सी बात है गांव है और यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं हैं, तो लोगों के लिए एक एक घंटे के अंदर एक एक बस आती है, तो उस हिसाब से भी हम भी सोच रहे थे पहले कोई कार वगैरह बुक कर लेते हैं, लेकिन कोई जल्दी जाने को राजी नहीं था। यही है बाकी आपको दिखा रहा हूँ अंदर का, तो काफ़ी प्यारा भी नज़ारा है। बाकी ज़्यादा कर देता हूँ करना, देखिए कितना प्यारा भी। चलिए आप इंजॉय करिए भी। यहाँ पर इन्होंने बस रोकी है क्योंकि अभी ये शायद किसी की डिलीवरी करने है। एक तरीके से जो होता है कि लोग सामान दे देते हैं एक गांव से दूसरे गांव, तो अभी ये सिरका वगैरह कुछ है जो कि ये देना चाह रहे हैं, तो इन्होंने वही देने के लिए गाड़ी रोकी है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद जैसे ही वो दे देंगे तो फिर आगे चलेगी। तो ये भी एक इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, और गाड़ी भी पासिंग करा रहे हैं उस साइड से, तो वो भी एक इशू है यहाँ पर। बाकी बारिश हो रही है लगातार, रास्ता काफ़ी ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। चलिए आपको दिखाता हूँ।
अभी हम उतरे हैं दर्शन नगर में। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बस खड़ी है, मेरी बस। बहुत भीड़ है और बारिश हो रही है बहुत दबा के, तो अभी फिलहाल के लिए खड़े हुए हैं सब लोग। और ये बस है हमारी पीछे। नहीं, हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम लोग फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे। फिलहाल बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश थोड़ी सी धीमी हुई है, तो अभी हम लोग निकले हैं। ये मेरा छोटा भाई है और अभी भाई इंटरव्यू दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। छोटा सा ना, तो इसलिए तो अभी आप देख सकते हैं हम मकबरे के अंदर हैं। फिलहाल तो मकबरे के अंदर घर पड़ता है, या आप देख रहे हैं दरवाज़ा है, मकबरा इसके बैक साइड है, तो उसे भी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि क्या है। तो अभी यहाँ पे बहुत कीचड़ सी है, पानी भरा हुआ है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं फिलहाल तो। और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर व्यू एक जो है इस तरीके से है। तो ये सिर्फ मेन जो यहाँ का दरवाज़ा है वो है मकबरे का, जो मेन दरवाज़ा है वो उस तरफ से है। और ये जितने भी सब यहाँ पर पार्क लगे हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब बाकी अभी बारिश हो रही है, अभी थोड़ा बंद है, मैं वहाँ से लेकर आऊँगा किसी को, तो देन वो एंट्री अंदर करने देंगे, अदरवाइज़ नहीं तो फिर शायद अभी मना है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे उमराव जान जैसी जो बड़ी फिल्म थी वो यहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी इस मकबरे में। बाकी तो मैं सारा जानता नहीं हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे जो इस पेड़ के पीछे हम लोग स्टे कर रहे हैं अभी, और शाम में हमारी गाड़ी है, खैर उसके लिए भी जाएंगे। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पे भर चुका है इस वक्त। निकलने के लिए वही छोटी मोटी नालियाँ हैं तो उसके थ्रू निकल रहा है किसी तरह से, बट पानी बहुत ज़्यादा है। कुआँ भी है इधर के साइड में। और बाकी ये दरवाज़ा है मकबरा, आप देख सकते हैं उसके पीछे। ये ट्रेन से भी अगर आप आते हैं फैज़ाबाद की तरफ से, तो आपको मकबरे की ऊपर की गुम्बद जो है बड़ा वाला, वो आपको दिखाई देता है। तो चलिए इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मैं किसी को घर से बुला के लाता हूँ कि एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं, देखते हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, अभी हमने दरवाज़ा खुलवाया है, तो बड़े वाले भाई को जानते थे, तो हम अभी जस्ट आप देख रहे हैं मेरे ऊपर पूरा ऐसी है, पूरी फैमिली आ रही है, हम पूरी फैमिली को चेक करेंगे और जाके देखेंगे फिलहाल के लिए, तो देखते हैं। और ऐसे जाना पड़ेगा, मैं ध्यान रखना। फिलहाल ये लॉक है अभी ड्यू टू द कोरोना, बट अभी ओपन किया गया है इसे, देख सकते हैं आप। ये मकबरे वगैरह अच्छे लगते हैं देखने में। हिस्टोरिकल प्लेस मोस्टली इसी टाइप के होते हैं। जल्दी आओ, जल्दी मजा आ रहा है। फोटो तो बाद में लेंगे। क्या नाम है वहाँ पे? नाजिम, जहाँ हम लोग गए थे, उसकी कॉपी, उसको देख के बनाया गया था ना ताजमहल। मुगल गार्डन नहीं, हुमायूं का मकबरा। सेम मामी कहाँ पे? ये सामने देखो, वो देखो। हाँ वो रहा उधर, हाँ मोर उधर है। अरे यहाँ पे तो वो भी है ना, बड़े बड़े। हाँ किसका था ये? बेगम क्या था? बहू बेगम सिराजुद्दौला। अच्छा, वहाँ पे घूमने का बैठने का एरिया ज्यादा है, यहाँ पे फोटो शूट करते रहो। मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, मैं शुरुआत से। हाँ, तूने कोई जुर्म किया था?
अभी बार वो भी लगा रखा है ना ड्यू टू कोरोना की वजह से। हाँ शुतुरमुर्ग है इसमें, आओ मुझे दौड़ा दिया तो बेल गिरा अंदर। जाओ तेरी ना, तो ये तो कूद जाएगा। शुतुरमुर्ग वो अंडा था, इसका डार्क ग्रीन कलर था। अच्छा काही जैसे नहीं वैसे। हाँ इतना बड़ा बड़ा था, उसमें से एक बच्चा भी निकला था, इतना छोटा सा था। तो अभी कहाँ है वो? 15 अंडा था, पता नहीं कहाँ सारा चल गया, बच्चा भी चल गया। आप लोग टूरिस्ट हैं, वो टूरिस्ट है। वो क्या है? वो भी सब यही घूमने, यही सब ऐसी बना हुआ है पूरा चारों तरफ से। चारों तरफ जैसे अंदर है अभी, कटहल का पेड़। अच्छा ये कटहल निकला तो देखो। हाँ दिखा 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 दिखा, ज्यादा कहाँ पर? हाँ 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 हाँ, वो हवा का रुख बताता है, जिधर हवा चलती है उधर का घूम जाता होगा, राउंड कर जाता होगा। नहीं नहीं होगा होगा, बड़ा है वो भजन। तो ये पहाड़ बंधा था ना, ये साफ आप हो रहा था, बन रहा था, तो भजन बाहर से बेल्ट वेल्ट बांध के इधर ही चढ़ के गए थे ऊपर ऊपर। अरे ऊपर हम लोग जा चुके एकदम ऊपर, वहां से इसकी ये चार अयोध्या का पुल दिखता है। हां ये जो अयोध्या है, हां हां हां, राम की वो यहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये। गुप्ता घाट में बहुत अच्छा, बिल्कुल ऊपर तक गए, कम कमरे के ऊपर कमरे को अच्छा लगता है। हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन अभी तक लाल किला नहीं गए। चार घाट जाओ वहाँ नार्क बैठ के पूरे नदी का पार करो, और वहाँ से जो पकौड़ी खट्टी वाली चटनी है, ये जैसे नीचे बना हुआ है मेन उनकी मजार यही है नीचे उसी के सेंटर पे। हाँ जो सेम ताजमहल के जैसे जैसे किया गया है। तो गए थे हम लोग, क्या क्या हुमायूं था वो, तो जिधर भी तुम जाओ उनके मजार वैसे उसे देख के उसने वो बनवाया था ना ताजमहल। बात चल रही है इम्पोर्टेंट हो गई, अरे बता रही है बहू बेगम के बारे में। हां बहू बेगम तेरी है बात कर रही है। अच्छा फैमिली रहती है? अरे तो ये देख हम लोगों के जो घर की दीवारें हैं वो इतनी चौड़ी चौड़ी हैं कि अगर उसको एक नॉर्मल। सब खड़े हो जाओ एक बार भाई, फिर इधर नहीं नहीं वो काटेगा नहीं भाजाम है तब डरने का होता तो। अगर थोड़े चलो चलो आ रहा हूँ मैं, इधर से आ रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि आपको मैं दिखाऊंगा, तो वही मैंने आपको दिखाया है किसी भी तरीके से करके। तो बड़ा भाई थे जिन्हें ये लोग जानते हैं, तो उन्होंने ओपन कर दिया उनके लिए, नहीं तो अदरवाइज ये क्लोज था। इस पर नोटिस लगा हुआ था गवर्नमेंट के नोटिस के साथ कि एंट्री अलाउड नहीं है बिकॉज ड्यू टू कोविड के चक्कर में। बट ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जो है हम लोग अंदर गए, बट ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर टाइम भी नहीं था। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 5 बजने वाले ही हैं, तो 5 बजने वाले हैं, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, ऊपर से बारिश लगातार हो रही है। इंशाल्लाह फिर कभी अगर हम यहाँ आते हैं तो ज़रूर ऊपर का भी जायज़ा वगैरह सब मतलब अच्छे से देखेंगे, फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लेंगे। तो वापस चलते हैं घर की तरफ, घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर ही ये रहा हमारा घर, इसके जस्ट यहीं पर ही, और ये हमारा मकबरा है पीछे। तो
तो पूरा मतलब पार्क था उस मकबरे का, ये बताते हैं कि ये पूरा पार्क ही था, ये सब दरवाजे तो चार दरवाजे हैं इसके, एक यहाँ पर है, देन वहाँ पर है, वहाँ पर है और एक वहाँ पर, तो इस तरीके से ही। बाकी देखते हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह स्टेशन पे। हम लोग अभी ट्रेन पर आ गए हैं और ऑलमोस्ट सही टाइम पर पहुँचे थे क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी, और उसके जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तो खड़ी हुई थी ट्रेन, तो अभी हम लोग जाके तुरंत, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर ठीक ठाक ही है, बट भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको भी दिखाऊंगा बैक कैमरा करके, ये सामने हमारे पैसेंजर बैठे हैं और यहाँ पे ये बंदर ये सीन से हुआ भाई, इनके मसाए बहुत सारे बंदर है फैजाबाद से, हम लोग यहाँ से बैठ रहे हैं और ये लोग लेके गए हैं, अगर ये लोग यहाँ से चीज़ वगैरह लेके गए तो ऐसे मैं भी सोच रहा हूँ कुछ करने का, जा रहा हूँ मैं भी नीचे। बाकी ट्रेन बिल्कुल खचाखच भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अभी क्या बोलूँ। और ये मामू मतलब जो ये भी हमारे साथ ही आ रहे हैं, ये इनकी जो कोच थोड़ा आगे वाला है, दो कोच आगे हैं इनका और हमारा पीछे, तो लीजिए ट्रेन हमारी चल चुकी है इस वक्त और अभी हम लोग फैज़ाबाद से निकले हैं और दिल्ली तक का हमारा ये सफ़र मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि घर की वापसी है। बाकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी बीती हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना यार, और Said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls. Cause even if we hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a part that we can't control. Raise a toast, enjoy the show. We are believers, so we can be, get all we need. Believers, let's raise a toast, enjoy the show. So I wanna run but I'm terrified, headed for the sun but I'm scared of heights. So you and me go falling through the dark. Told me to be someone that I like, instead of being someone in their right. Your battles cause make you look like a star. Cause even if we're hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a part we can't control. Believers, let's raise a toast, enjoy the show. हम दिल्ली में उतर चुके हैं और हमारा जो ब्लॉग है वो यहीं पे सक्सेसफुल होता है। दिल्ली की जो ट्रेन थी, अब हम लोग यहाँ दिल्ली में आ गए हैं, हमारी ट्रेन पीछे खड़ी भी है, तो आई होप आप सबको इन्जॉय करा होगा आपने सबने ये वीडियो, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। Boom, boom.